हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, ये जो मैंने ब्लैंकेट बनाया, जंप सूट बनाया, उसी का ये बेबी बूट भी बनाया, उसी डिज़ाइन का। ये देखिए, तो मैं पूरा आपको बना के बताऊंगी कैसे बनाया है ये। सबसे पहले आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और ब्लू कलर डबल कर लीजिए ऐसे। ये हमने डबल कर लिया और यहाँ पे हम 37 फंदे डाल लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो मैं 37 फंदे डाल लेती हूँ। अब देखिए, 37 फंदे डालने के बाद ये वाली पहली सिलाई जो है वो हम पूरी उल्टी बना देंगे ऐसे। तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई से हम एक फंदा सीधा एक उल्टे का 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। अब देखिए, सीधी सिलाई पे आ गए तो यहाँ पे एक फंदा स्लिप करा, एक उल्टा, एक सीधा, एक, फिर दो, फिर तीन। एक सिलाई हमने पहले उल्टी उल्टी लगा ली, ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर उल्टी, चौथी, फिर सीधी, फिर पांचवी सिलाई पे हम दूसरा कलर यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ 3 सिलाइयाँ और। अब ये देखिए फ्रेंड, 4 सिलाइयाँ हमारी होगी। अब उल्टी सिलाई से हम यहाँ पे वाइट कलर जॉइंट करेंगे और ये जो डिज़ाइन बनाया है इस पे भी बनाएंगे। तो पूरी सिलाई में ऐसे वाइट कलर से बना लेती हूँ उल्टी, फिर सीधी सिलाई से हमें डिज़ाइन बनाएंगे। इन धागों को हमने साथ में लेके चलना है आगे तक। देखिए, तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, जो हम डिज़ाइन बनाएंगे 12 12 के मल्टीपल से बनेगा और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो पहला फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया, जाली बनाई, इसको ऐसे पलटा। अब 9 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब जाली बनाई और यहाँ पे 3 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर जाली बनाई, 9 फंदे फिर सीधे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। फिर जाली बनाई, 3 का 1 बनाया। फिर जाली बनाई, 9 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ए 9। फिर जाली और लास्ट का। यहाँ भी हमने 2 का 1 करने के बाद जाली बनाई और यहाँ हमने जाली बनाई फिर 2 का 1। तो दोनों साइड हमारा बराबर आ गया। उल्टी सिलाइयाँ इसकी सभी उल्टी बनेंगी। उल्टी सिलाइयों पे हमने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सभी सिलाइयाँ उल्टी बना लेनी है। फिर अगली सीधी पे दिखाती हूँ। अब तीसरी सिलाई देखिए, पहला फंदा स्लिप करा, फिर ये जाली वाला हमने बना लिया सीधा, फिर जाली बनाई, इसको फिर पलटा ऐसे और 2 का 1। अब हम 7 फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 2 का 1 इस साइड से 7। फिर जाली बनाई, अब 3 फंदे हम सीधे, एक, दो, तीन। फिर जाली बनाई, एक साइड हमारे फंदे घटते जाएंगे और एक साइड हमारे फंदे जालियों से बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ऐसे उल्टी सिलाई, फिर हम पूरी उल्टी बना लेंगे।
अब फिर देखिए इसकी, ये देखिए जालियों से फंदे बड़े हैं, तो दो फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर हमने जाली बनाई, इसको पलटा और यहाँ पे दो का एक करा, एक दो तीन चार और ये पांच। अब हम पांच फंदे बनाएंगे पूरे। अब यहाँ पे देखिए ये जालियों से हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको बीच वालों को हमने सीधा बनाते जाना है। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, पांच फंदे बनेंगे फिर जालियाँ, उल्टी सिलाई उल्टी, फिर अगली पे बबल बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड इसकी लास्ट सिलाई, और एक बबल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बीच वाले फंदे पे और एक यहाँ। तो देखिए यहाँ से बनाना बताती हूँ मैं आपको, एक दो तीन फंदे हमारे जाली से बड़े और ये चौथा। अब फिर से हमने यहाँ ऐसे पलटना है दो का एक, अब दो का एक इस साइड और बीच वाले फंदे पे हमने बबल बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। अगर आपके पास मोटी वाली ऊन है, ये बेबी बूल है इसलिए थोड़ी पतली होती है, तो आप पांच फंदे बना लीजिए, मैंने सात बनाए हैं, नहीं तो बबल बिल्कुल ही छोटा सा बन रहा था पांच फंदों में। अब देखिए फिर से हमने फंदे बना लिए, फिर एक बनाया और इसके ऊपर हमने ये छह फंदे ऐसे गिरा देने, तो तीन चार पाँच छ, और इसको इस सिलाई पे ले लेना है और फिर से दो का एक यहाँ से कर देना है। और देखिए एक नौ फंदे हो जाएंगे हमारे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और फिर जाली नौ। अब ऐसे ही आप एक बबल यहाँ पे बना लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। अब ऐसे पलटेंगे और इन सात फंदों को फिर से बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब इस पहले फंदे पे हम सारे फंदे गिराएंगे, पर पहले इसको बनाएंगे। अब देखिए ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ, अब अगला बबल आप अपने आप बना लीजिए यहाँ पे, फिर उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी, फिर अगली सीधी सिलाई पे एक बार फिर मैं आपको बताऊँगी दोबारा से हमने डिजाइन कैसे डालना है। जो सिलाई हमने पहले यहाँ पे बनाई वो हम यहाँ बनाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड दोबारा से हमने डिजाइन डालना है, तो पहला फंदा हमने वैसे ही स्लिप करा, फिर जाली बनाई, इसको ऐसे पलटा, अब नौ फंदे हम सीधे बना देंगे, एक दो तीन चार, और ये बबल वाला फंदा हमारा पांचवा आना चाहिए, पाँच छ आठ नौ। फिर जाली बनाई, इसको ऐसे पलटा, ये देखिए ये सेंटर वाला ही हमारे सेंटर में आ गया, ये देखिए इसी फंदे पे। तो ये बना लीजिए आप दो डिजाइन, ये देखिए दो डिजाइन बनाने के बाद फिर मैं ये आपको डोरी डालने के लिए बनाना बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड दो डिजाइन मैंने बना लिए यहाँ पे, इस तरीके से आए हमारे डिजाइन। अब देखिए अब हमने यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल बनाने हैं, तो ये पूरी सिलाई हम पहले उल्टी बना लेते हैं, फिर उल्टी सिलाई पे हमने ये होल बनाने होते हैं, तो पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई पे देखिए पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप करा, फिर जाली बनाई और फिर दो का एक, एक फंदा हमने प्लेन बनाया, फिर जाली बनाई दो का एक कर दिया, एक फंदा हमने प्लेन बनाया, फिर जाली बनाई दो का एक, एक फंदा प्लेन। जैसे हमारा फंदा बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही कर देना है। फिर अगली सीधी सिलाई दिखाती हूँ मैं, अगली सीधी सिलाई पे हमने क्या करना है
ये जो हमारी सीधी सिलाई आई ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे। अब धागा आगे करके ये सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। जाली वाला फंदा भी देखिए ऐसे हमने उल्टा बना लेना है और उल्टी सिलाई इसके बाद पूरी उल्टी बना लेंगे। अगली सीधी सिलाई पे हम फिर ये डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पूरी सिलाई बना ली। अब 13 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे, 13 इस साइड, बीच के 11 फंदों पे हमें डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये धागा हमारा यहीं रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब अगले फंदों पे हम यहाँ पे ब्लू कलर लगाएंगे। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गए, 11, 12, 13। अब यही हम 14 सिलाइयाँ बनाएंगे इसकी। ये दूसरी सिलाई ऐसे ही 14 सिलाइयाँ आगे तक हम ब्लू की ही बना देंगे, बाकी हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं 11 फंदों को बनाते जाना है। 2 हो गई, अभी देखिए 3, तो ये 14 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, 14 सिलाइयाँ बना ली मैंने। अब हमारा धागा इस साइड को है, तो पहले ये वाले फंदे हम इस सिलाई पे ले लेंगे। देखिए अब देखिए, अब ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखिए, अब यहाँ से हम 7 फंदे उठाएंगे, तो देखिए कैसे उठाएंगे। ये जो गैप है, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, तीन, चार, पांच, छः, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 7 ही फंदे हम यहाँ से भी उठा लेंगे जैसे हमने उस साइड से उठाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक गैप में से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे, फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ, फिर हमने उल्टा उल्टा बनाना है इसको। अब देखिए इसके साथ ही हमारे 51 फंदे हो गए टोटल। अब हम ये यहाँ पे 7 धारियाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए पहली धारी हमारी ऐसे बनेगी, एक धारी, सभी फंदों को 51 फंदों को हमने उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है दोनों साइड से, सीधी सिलाई पे भी और उल्टी पे भी। तो ये 7 धारियाँ बना लीजिए ऐसे, फिर 7 धारियाँ बनाने के बाद फिर आगे बताती हूँ मैं आपको आगे हमने क्या करना है। बस ऐसे ही बनाते जाना है इसको। तो ये मैं बना लेती हूँ 7 धारियाँ।
ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात धारियाँ बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए फ्रेंड, एक दो तीन चार पाँच छः सात धारियाँ बना ली, और यहाँ पे मैंने 26 फंदे रख लिए 25 इस साइड को। ये देखिए आधे फंदे हमने बना लिए, ये 26 फंदे बना लिए, 25 हमने इस साइड छोड़ दिए। एक दो तीन चार सात आठ नौ दस, ये हो गए 20 21 22 23 24 25। अब देखिए उल्टी साइड हम ऐसे बाहर की साइड करेंगे और सीधी अंदर की साइड, और जो एक फंदा हमने इस साइड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है लिया हुआ है उसको हम इस सिलाई पे ले लेंगे। ऐसे एक सिलाई और चाहिए हमें, और धागा ऐसे करके दो दो का एक करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेते जाएंगे और पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। देखिए ऐसे दो का एक करा, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, फिर से दो का एक करा, लास्ट तक सभी फंदों को हम ऐसे ही कर देंगे बंद। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, उसका मैं आपको दिखाऊंगी क्या करेंगे हम। बस ऐसे ही आप सभी फंदे बंद कर लीजिए। ये देखिए फंदे बंद हो गए हमारे। अब ये देखिए एक फंदा बचा, तो इसके अंदर से हम ऐसे निकाल देंगे और ये सिलने के लिए यहाँ से ऊपर को सिल देंगे, और ये जो ब्लू वाला है इसको ब्लू से सिलेंगे, और डोरी भी आप बना के इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे आएगा ये बना हुआ। देखिए अगर ऐसी डोरी आपको बनानी है, देखिए जो मैंने बनाई है जैसे बबल बनाए हैं वैसे ही डोरी बनाई है, अगर ऐसी डोरी आपको बनानी है तो मैं आपको ये वीडियो अलग से डाल दूँगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि हमने भी सीखनी है वाली डोरी, तो मैं बना के दिखा दूँगी। बस यहाँ से आप सिल लीजिए ये, और डोरी डाल के ऐसे अपने बेबी को बनाइए। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।